फ्रेंड्स, वेलकम टू आईक्यू क्लासेस। मेरा नाम है वैभव। आज की इस वीडियो में हम रिलेशन एंड इट्स टाइप्स डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी कवर करने वाला है। तो सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं रिलेशन होता क्या है। रिलेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं संबंध, या फिर कह सकते हैं कि द वे वी इंटरेक्ट विद पीपल, विद सोसाइटी। लेकिन मैथ्स के टर्म्स में रिलेशन क्या होगा? रिलेशन डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब आप कह रहे होंगे ऑर्डर्ड पेयर क्या है? सेट तो आप पहले से ही जानते हैं क्या होता है, लेकिन कुछ टर्म्स हम डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट और दूसरा इसी में ऑर्डर्ड पेयर डिस्कस करेंगे, और फिर आएगा सेट बिल्डर फॉर्म। ये सब आप लोगों को पहले से ही पता है, फिर भी एक बार एक छोटा सा ब्रीफ दे देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमें कम से कम दो सेट लेने पड़ेंगे। एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 4 और 5। तो यहीं पे आपको एक इनमें से एक चीज पता चल जाएगी, वो है रोस्टर फॉर्म। इसी को हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। जब हमारे सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे रहेंगे, कॉमा से सेपरेट होगी, उसको हम रोस्टर फॉर्म कहेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ए क्रॉस बी या ए इंटू बी, उसका हमारा सेट बनेगा। पहला एलिमेंट यहां से लेंगे और दूसरे सेट का पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा? 1, 4। इसी तरह पहला, फिर इसका दूसरा वाला यानी कि 1, 5, एंड सो ऑन विल गो टिल 2, 4, 5, 3, 4 एंड 3, 5। तो ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गए। अब इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर देख लेते हैं क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सेट बना रहे हैं, जो कि ये हमारे पास है पूरा सेट, इसमें कोई एक सिंगल पेयर देख लें या सिंगल ब्रैकेट देख लें, जैसे कि पहला है 1, 4, तो इसमें जो पहला एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहा है? सेट ए से, और दूसरा एलिमेंट सेट बी से आ रहा है। इसी को हम लोग कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर। तो बिल्कुल भी ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बनाएंगे दो सेट से, यहाँ पे ए क्रॉस बी है। ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा? 1, 4, 1, 5, ये सब ऑर्डर्ड पेयर है, जहाँ पे पहला एलिमेंट एक सेट से आ रहा है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आ रहा है। तो हमारे पास तीन चीजें हमने डिस्कस कर ली, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर और रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सेम एग्जाम्पल को लेते हुए सेट बिल्डर फॉर्म भी समझेंगे। लेट से एक आर हमारा रिलेशन है, जो कि कह रहा है एक्स कॉमा वाई हमारे ऑर्डर्ड पेयर है, such that y minus x is even, x belongs to a and y belongs to b। इसी को हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे देखिए x comma y क्या है? हमारे ऑर्डर्ड पेयर, और इन्होंने कह दिया रिलेशन बनेगा y minus x is even। अगर ऐसा है तभी हम रिलेशन बनाएंगे, जहाँ पे x कहाँ से आ रहा है? a से, और y आ रहा है b से। तो ऐसे कौन से रिलेशन बन जाएंगे? इन कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम देखें तो कौन कौन से रिलेशन बन सकते हैं कि y माइनस एक्स इवन हो। अगर हम 1, 4 लें तो 4 - 1 ऑड होगा, 1, 5 लें तो 5 - 1 इवन होगा, तो इसको हम रिलेशन में रख सकते हैं। इसी तरह 2, 4 भी हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 3, 5। तो यही तीन हमारे पेयर्स आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म था, इससे हमने ऑर्डर्ड पेयर बना लिए, रिलेशन बना लिया एक। तो क्लास 12 में हमारे पास रिलेशन के कितने टाइप्स हैं? तीन टाइप्स हैं, जो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एमसीक्यू के लिए, क्योंकि एमसीक्यू में इससे कम से कम एक या दो मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए तो आपके एक दो मार्क्स तो पक्के हैं बिल्कुल। सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव वर्ड किससे बना है? रिफ्लेक्शन से, यानी हमारी खुद की मिरर इमेज। हम खुद अपने मिरर में कैसे दिखते हैं? जैसे हम हैं उसी तरह दिखते हैं। तो एलिमेंट्स में भी ऐसा ही होगा। अगर एक एलिमेंट कोई है और उसी का सेम एलिमेंट भी है ऑर्डर्ड पेयर में, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 4 और 6, और रिलेशन हमें बनाना है ए टू ए, यानी ए क्रॉस ए का रिलेशन है। इसी ए को हम दो बार लिखेंगे और फिर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या क्या बनेंगे? 2, 2, 2, 4 एंड 2, 6। सिमिलरली 4, 2, 4, 4, 6 एंड लाइकवाइज 6, 2, 6, 4 एंड 6, 6। ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गए, पर ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है, वो क्या कंडीशन है?
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब यहाँ पे स्मॉल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट्स को, हमारे सेट के एलिमेंट्स को, और कैपिटल ए यहाँ पे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए फॉर ऑल है तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी कि 2,2 होना चाहिए, 4,4 होना चाहिए और 6,6, यानी जितने भी सेट ए में एलिमेंट्स हैं उन सब का रिफ्लेक्शन होना ही चाहिए ऑर्डर्ड पेयर में, तभी वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। एक भी अगर नहीं है इनमें से, मान लीजिए 4,4 यहाँ ना होता हमारे सेट में, तो उसको हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं कहते। लेकिन यहाँ पे तीनों है कंडीशन, 2,2, 4,4 और 6,6, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव है। तो अब आ रही है सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक में भी हम एग्जांपल वही लेंगे, आर एज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, और यहाँ पे डेफिनेशन क्या है वो पढ़ते हैं। फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, अब दो एलिमेंट्स आ गए अलग अलग, ए की वैल्यू अलग होगी और बी की अलग। फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी अगर रिलेशन में ए कॉमा बी है देन बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर, तभी वो सिमेट्रिक होगा। यानी अगर 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर इससे हम सिमेट्रिक रिलेशन बनाए तो 2,4 अगर है तो 4,2 मस्ट है, 2,6 है तो 6,2 भी होगा, 4,6 है तो 6,4 भी होगा। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर 4,6 हम ना लेते और यहाँ पे केवल 6,4 होता तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। इसलिए अगर कोई एक भी है तो उसका कंपैरिजन करने के लिए दूसरा होना जरूरी है, तभी वो सिमेट्रिक है। ऑलराइट, तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के बाद अब बारी है ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव थोड़ा सा ट्रिकी है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक से, इसलिए आपको यहाँ पे खास ध्यान देना है। ट्रांजिटिव में भी हम वही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स 2, 4 और 6 है और रिलेशन है डिफाइंड हमारा ए टू ए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो तो उसी एग्जांपल से इसको भी समझा रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर एनी ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे तीन एलिमेंट्स ले लिए, लेकिन आपको हमने बताया था ऑर्डर्ड पेयर तो दो ही का बनता है, तो क्या करेंगे, एक बार ए बी का बनाएंगे एक बार बी सी का। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और साथ ही साथ बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर जरूरी है। यानी अगर हमारे रिलेशन में यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, 2,4 अगर ले रहे हैं और 4,6 ले रहे हैं तो 2,6 होना बहुत जरूरी है, तभी वो ट्रांजिटिव है। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, ट्रांजिटिव में थोड़ा सा कैच है, क्या है कि अगर आपके पास 2,4 है, रिलेशन में 2,4 है, यानी इसको हम मान ले रहे हैं कि ए कॉमा बी, अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी नहीं है, यानी कि 4,6 नहीं है, तो फिर हम कंपेयर कैसे करेंगे, ए और सी तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि बी कॉमा सी ही नहीं है, तो इसलिए हम कह देंगे कि ये भी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, अगर a कॉमा बी है बी कॉमा सी है तो a कॉमा सी भी होगा तभी वो ट्रांजिटिव है, लेकिन अगर a कॉमा बी है एंड वी डोंट हैव b कॉमा सी देन वी विल से दैट इट इज आल्सो ट्रांजिटिव। तो अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और खास करके ट्रांजिटिव में, तो वो डाउट अब आपका क्लियर होगा, क्योंकि अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी बुक से। बुक के सारे सॉल्यूशंस आपकी आईक्यू क्लास की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको कैसे एक्सेस करना है आइए देखते हैं। सिंपली आपको गूगल क्रोम पे जाना है, गूगल क्रोम पे जाने के बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे आईक्यू क्लासेस, और पहली लिंक जो दिख रही है उसको आप ओपन कर लीजिए। ये हमारी आईक्यू क्लासेस की वेबसाइट है, इस पे हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो फिलहाल हम आईएससी क्लास 12 पे जाते हैं और फिर उसमें मैथ्स के सेक्शन में जाएंगे। ये रहा हमारा मैथ्स का सेक्शन, इसमें हर एक चैप्टर के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। अगर हम रिलेशन फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड के क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीवियस ईयर और एमएल अग्रवाल के भी हैं। तो इसी एमएल अग्रवाल में आपको हर एक एक्सरसाइज के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपकी 6 एक्सरसाइजेस हैं आपकी बुक में, इन सबके सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहीं से हमने एक क्वेश्चन उठाया है और आपको समझाते हैं। तो क्वेश्चन 1 है हमारा, इफ द रिलेशन आर इन द सेट ए वेयर ए इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 इज डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, देन एक्सप्रेस आर इन द रोस्टर फॉर्म। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, और हमें एक्सप्रेस किस में करना है, रोस्टर फॉर्म में, यानी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। तो चलिए रिलेशन बनाते हैं, क्या है, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तो अच्छा, हम यहाँ पे अगर 1,1 रखें
तो 1 1 से डिविजिबल है तो ये हो सकता है, 1, 2 2 इज डिविजिबल बाय 1 ये भी रिलेशन होगा, इसी तरह 1, 3 1, 4 1, 5 एंड 1, 6 क्योंकि सारे 1 से डिविजिबल होते हैं। आगे इसमें और क्या हो सकता है, अगर हम आगे यहाँ पे 2 रखें तो यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा 2 क्योंकि 2 इज डिविजिबल बाय 2, 2, 4 का मतलब 4 इज डिविजिबल बाय 2 बिल्कुल सही है, 2, 6 का मतलब 6 इज डिविजिबल बाय 2 ऑल राइट। अब 4, समथिंग हो सकता है, नहीं हो सकता, 6, समथिंग भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एक हो जाएगा 4, 4 क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाय 4, 5, 5 6, 6 तो मेरे हिसाब से यही रिलेशन बनेगा हमारा। अब देखना क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव का मतलब फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी हर एक एलिमेंट जो ए को बिलोंग कर रहा है ए कॉमा ए मस्ट रिलेशन। तो क्या यहाँ पे है 1, 1 है, 2, 2 भी है और यहाँ पे एलिमेंट्स 3 के क्या बनेंगे 3, 3 और यहाँ पे 3, 3 भी होगा, 3, 6 भी होगा क्योंकि 3 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 3 इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। तो अगर हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव का मतलब फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी हर एक एलिमेंट जो ए को बिलोंग कर रहा है रिलेशन में ए कॉमा ए होना जरूरी है। 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 भी है, 5, 5 भी और 6, 6 भी, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए अगर देखें हम 1, 4 तो क्या 4, 1 है, नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। आप सिमेट्रिक के लिए देखें तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं 1, 2 है पर 2, 1 नहीं है इसलिए 1 भी नहीं है तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक नहीं होगा, नो इट इज नॉट सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव के लिए अगर देखें तो सबसे पहले यहाँ पे कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं ए कॉमा बी, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा 1, 2 और दूसरा ले लेते हैं 2, 4 तो क्या 1, 4 है, बिल्कुल है, इसलिए ट्रांजिटिव का एक केस तो बन गया। और ढूंढते हैं इसी तरह 1, 3 है और 3, 6 है तो 1, 6 है, बिल्कुल है, इसलिए ट्रांजिटिव के केस तो सारे ही बनते दिख रहे हैं, इसलिए ये ट्रांजिटिव होगा। इसका मतलब रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है पर सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे आपको हमने रोस्टर फॉर्म में समझा दिया पर लिखने का तरीका कुछ अलग होता है, मार्क्स आपको लिखने पे ही मिलेंगे, केवल आप यहाँ पे यस नो यस ऐसे नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए देयर एग्जिस्ट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी रिलेशन में हर एक ए के एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए है, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। अब ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक भी देख लेते हैं, पहले सिमेट्रिक देखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस 1, 2 belongs to R, relation में 1, 2 है but 2, 1 does not belong to R, 2, 1 नहीं है इसलिए symmetric नहीं है, therefore we can say A, B belongs to R but B, A does not belongs to R for all a comma b belongs to a। तो जैसा कि आपको हमने सिमेट्रिक में बताया था, अगर पहला केस है a comma b का तभी हम चेक करेंगे दूसरा b comma a का। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे रोस्टर फॉर्म में 1, 2 था इसीलिए हमने चेक किया कि 2, 1 है या नहीं, यहाँ पे नहीं था इसीलिए नॉट सिमेट्रिक लिखा है। तो अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की, हमने देखा है कि 1, 2 हमारे सेट का एलिमेंट है बिलोंग्स टू आर रिलेशन है और 2, 4 भी एक रिलेशन है और इसके बाद हमने ये भी देखा कि 1, 4 भी एक रिलेशन है, यानी a कॉमा b है, b कॉमा c है और उसी का a कॉमा c भी है तो ये ट्रांजिटिव है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे a कॉमा b बिलोंग्स टू R एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज a कॉमा c बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A, B एंड C belongs to A। ये लिखना जरूरी है कि A, B और C आ कहाँ से रहे हैं, एलिमेंट्स A से आ रहे हैं इसलिए हम कह सकते हैं therefore it is transitive।
ऑल राइट, तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री को ट्रांसटिव डिस्कस कर लिया है, और ये भी आपको हमने बता दिया कि एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आपको कहाँ मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।